हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है हर्ष पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक बाई पांडे में। दोस्तों, क्या आप व्हाट्सएप में ऑनलाइन रहते हुए भी ऑफलाइन दिखाना चाहते हैं या फिर अपना व्हाट्सएप में लास्ट सीन को हाइड करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया है अपने लास्ट सीन को हाइड कैसे कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप में लास्ट सीन को हाइड कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा थ्री बिंदी, आपको सिंपली थ्री बिंदी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे नीचे आपको दिखेगा सेटिंग्स, सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा अकाउंट्स के नीचे में, अकाउंट के नीचे में आपको दिखेगा प्राइवेसी, सिंपली आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन सबसे ऊपर में, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से आ जाता है सारा प्रोसेस कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है, आपको अपना लास्ट सीन को हटाना है या रखना है या हटाना है या किसी को दिखाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है हु कैन सी माई लास्ट सीन, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि कौन मेरा लास्ट सीन को देख सकता है। तो इवरी वन का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर आप इवरी वन पे रखते हैं तो इवरी वन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि तो आप हर किसी को लास्ट सीन अपना दिखा सकते हैं किसी, तो आप इवरी वन पे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है माई कॉन्टेक्ट, माई कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि जो भी आपका फोन में नंबर सेव है सिर्फ उसी को आप दिखा सकते हैं अपना लास्ट सीन, ठीक है। तो यहाँ पे माई कॉन्टेक्ट का मतलब आप समझ गए। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। इस पे होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप अगर जिसको भी दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उस पे आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, जिसको आपको दिखाना है उसको सेलेक्ट कर देना है या फिर जिसको नहीं दिखाना है, सॉरी जिसको दिखाना है फ्रेंड्स तो आपको उसको सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमको ये दोनों को नहीं दिखाना है यहाँ पे हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स फिर से जाना है आपको लास्ट सीन में। और फ्रेंड्स अब सबसे बड़ी बात आ गई फ्रेंड्स कि आपको अगर किसी को नहीं दिखाना है, किसी को मतलब किसी को भी लास्ट सीन हमको दिखाना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो बॉडी, ठीक है। तो आपको नो बॉडी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नो बॉडी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना है सबसे नीचे में सेम एज लास्ट सीन, यहाँ पे दिख रहा होगा हु कैन सी भेन आई एम ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा होगा इवरी वन, यहाँ पे लिख रहा है सेम एज लास्ट सीन, सिंपली आपको सेम एज लास्ट सीन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से छोड़ देना है, ठीक है, आपका लास्ट सीन का स्टेप हो गया क्लियर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली बार एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।